अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। हेल्थ कंडीशंस जैसे नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कंडीशंस में क्या हमें वर्कआउट करना चाहिए? कहीं वो हमें और नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? और अगर करना चाहिए तो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और क्या फायदे होंगे उसके, सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलें। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। आज का एपिसोड मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करने वाला हूं और उसके बाद सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए एक्सेट्रा। स्टोरी है एनेट फ्रेडस्कोव की। ये एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पेशेंट थी और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 3-4 महीने के बाद ये चल फिर भी नहीं पाएंगी। फिर उन्होंने दौड़ना शुरू किया और उन्होंने वर्कआउट करके अपने आप को इस काबिल बना लिया कि सिर्फ एक मैराथन नहीं, उन्होंने 365 दिन में 366 मैराथन दौड़े। एक मैराथन 42 किलोमीटर का होता है, 42 किलोमीटर, और एवरी डे 1 मैराथन। और जब उन्होंने साल का अंत किया तो लास्ट दिन 2 मैराथन यानी कि 84 किलोमीटर। वो पेशेंट जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से सफर कर रही थी और डॉक्टर ने वार्निंग देती थी कि शायद 2-3 महीने के बाद ये चल फिर भी ना पाए। इसका मतलब कि कुछ तो करामात जरूर है वर्कआउट में। अगर आप अंदर से विलफुल हैं, अगर आप अंदर से चाहते हैं कि आप बेटर हों, क्योंकि बिना विलिंगनेस के तो आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो आसान ही क्यों ना हो। तो यस, वर्कआउट जरूर करना चाहिए ऐसे हेल्थ कंडीशंस में जिसमें नी पेन हो, बैक पेन हो या फिर अर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो। क्यों करना चाहिए? अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले थोड़ी एनाटॉमी समझते हैं कि जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां को कवर करता है हमारा मसल्स। मसल्स में ही मूवमेंट होता है, हड्डियों में मूवमेंट नहीं होता। हड्डियों में लिवर होता है, जैसे जॉइंट है, जैसे नी है, तो नी एक जॉइंट है हड्डियों का, दो हड्डियों का जॉइंट है जिसकी वजह से उसमें मोबिलिटी आ सकती है। मूवमेंट जो क्रिएट होता है वो होता है मसल्स की वजह से, यानी कि आपके पैर में क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ है, टिबियालिस एंटीरियर है। ये 4 मसल्स हैं जो इन बोन्स के हेल्प से और जॉइंट के हेल्प से आपके लिए मूवमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो नी पेन, बैक पेन या अर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस है, ये बोन रिलेटेड है, सारी की सारी हड्डियों में। लेकिन क्या हड्डियां इंडिपेंडेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं। हड्डियों को कवर करता है मसल्स, यानी कि अगर हमें हड्डियों को मजबूत करना है, हमें बोन्स को मजबूत करना है, तो सबसे पहले हमें मसल्स को मजबूत करना पड़ेगा। मसल्स जब मजबूत होंगे तो मसल्स बोन्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, नी जॉइंट। अब नी जो है उसको रेगुलेट करता है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ और टिबियालिस एंटीरियर। ये 4 मसल्स उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर ये मसल्स वीक होते हैं तो बोन्स आपस में लड़ने लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जॉइंट है, तो जॉइंट में जब मूवमेंट होती है तो ये मूवमेंट बार बार आपस में फ्रिक्शन पैदा करता है, अगर हमारे मसल्स स्ट्रांग नहीं है तो। जो प्रॉपर गैप चाहिए जॉइंट्स के बीच में, वो गैप कम होने लगते हैं और उसका भी रीजन होता है मसल्स में वीकनेस। जब मसल्स स्ट्रांग होते हैं तो वो जॉइंट्स को होल्ड करते हैं, वो बोन्स को मजबूती देते हैं, और इस तरह से आपका जो नी का प्रॉब्लम है वो बेटर हो सकता है, जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो बेटर हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम बेटर हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको मसल्स कवर करके रखा है। तो स्पॉन्डिलाइटिस में अगर आपने देखा होगा तो जो एक्सरसाइज बताई जाती है वो एक्सरसाइज जो है नेक के मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए बताई जाती है। जो नी में पेन के लिए डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बताता है लेग एक्सटेंशन, वो क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रांग करने के लिए बताता है। नीज स्ट्रांग नहीं हो रहे, नी स्ट्रांग तब होंगे जब क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग होगा, जब आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होगा, जब आपके ग्लूट स्ट्रांग होंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का बोन रिलेटेड इशू है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो नी पेन हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, आपको उसके अराउंड मसल्स को ट्रेन करना है, चैलेंज करना है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग करनी है। स्ट्रेंथनिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मसल्स की कैपेबिलिटी है उससे 5-10% ज़्यादा उससे काम करवाना है। अगर क्वाड्रिसेप्स की कैपेबिलिटी 10 किलो वेट लिफ्ट करने की है तो उससे 12 किलो या 15 किलो का वेट लिफ्ट कराना है, ताकि क्वाड्रिसेप्स चैलेंज हो
और चैलेंज होने के बाद ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जितना काम मेरा क्वाड्रिसेप्स कर रहा है उसके लिए हमें और ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत है। इस तरह से ब्रेन हेल्प करेगा आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मसल्स को ग्रो करने में। जब मसल्स ग्रो करेंगे, मसल्स मजबूत होंगे, तो आपका जॉइंट भी काफ़ी बेटर हो रहा होगा। और सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपके मसल्स पे ट्रॉमा आएगा। ट्रॉमा मतलब टूट फूट होगी, वही न्यूट्रिशन रिकवर करने में हेल्प करेगा और आपके मसल्स मजबूत होंगे। तो आपको अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन लेना है, अच्छा डाइटरी फैट लेना है, क्योंकि मसल सेल्स को रिकवर करने के लिए केवल प्रोटीन ही रिक्वायरमेंट नहीं है, गुड फैट भी चाहिए। प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन आपके मसल्स को रिकवर करेगा। इसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट, ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस तरह के कुछ सप्लीमेंट्स आपके ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को, चाहे वो कैसे भी हो और कितने भी पुराने हो, उसमें ज़रूर सुधार करने में हेल्प करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, रिजल्ट तुरंत एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये शायद 5 साल पुराना प्रॉब्लम है, 10 साल पुराना प्रॉब्लम है और आप चाह रहे हैं कि 1 महीने में चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं होंगी, लगे रहना पड़ेगा। प्रोसेस यही है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। जो भी दवाइयाँ आप इस कंडीशंस में खा रहे हो, चाहे वो नी पेन, बैक पेन, ये सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहा है, ख़त्म नहीं करेगा। जिस दिन आप दवाइयाँ छोड़ेंगे, आपका पेन वापस आ जाएगा, आपका प्रॉब्लम वापस आ जाएगा। तो जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन यही है कि आप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें, उनको चैलेंज करें और उसके बाद अच्छा न्यूट्रिशन लें और फिर रिकवर होने का टाइम दें। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको सिर्फ नी पेन, बैक पेन में ही रिकवरी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी बेटर हो रहा होगा। हेल्थ कंडीशंस की वजह से हम वर्कआउट नहीं करते, क्योंकि वर्कआउट का इमेज हमारे दिमाग में बहुत डिफरेंट बना हुआ है। हमें लगता है जिम जाके बहुत हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा, बॉडी बिल्डर की तरह काम करना पड़ेगा। नहीं, वर्कआउट का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि आप अपनी बॉडी को उसकी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज करें, ताकि आपकी बॉडी ग्रो करे, क्योंकि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ही ग्रोथ होती है। अगर आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हैं तो ग्रोथ नहीं है, और दवाइयां हमें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ढकेलती हैं। हमें लगता है दवाइयां लेने से चीज़ें ठीक हो गई, नहीं, वो सिर्फ मैनेज की जा रही हैं किसी तरह। तो दोस्तों, वर्कआउट करिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, वर्कआउट करिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करेगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, मुझे कमेंट में पूछ के बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज़ कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।